बेतिया के नवलपुर थाना क्षेत्र के एक वर्तमान मुखिया की पत्नी ने अपनी पुत्री का अपहरण 8 लोगों की मिलीभगत से कर लेने की बात बताई है। इस मामले को लेकर नवलपुर थाने में लड़की की मां ने 8 लोगों पर मुखिया की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर शादी कर लेने का एफआईआर दर्ज कराया है। इस घटना को लेकर लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर डाला है, जिसमें लड़की ने खुद ही युवक के साथ फरार होकर शादी कर लेने की बात कह रही है। इधर नाबालिग लड़की की मां सविता देवी ने स्थानीय नवलपुर थाने में एक लिखित रूप से बथवरिया थाने के चंद्रदाहा रूपवालिया गांव के 8 लोगों पर आरोप लगाते हुए बताती है कि 31 अगस्त की शाम को उसके नाबालिग पुत्री अपने घर के बगल सराय के तरफ शौच करने के लिए गई थी कि पूर्व से घात लगाए 8 लोगों के मिली भगत से रंजन कुमार ने उसकी लड़की का अपहरण शादी के नियत से कर लिया। लड़की के परिजनों ने बताया कि खेत में गई उसकी पुत्री जब घर वापस नहीं आई तो उसकी खोजबीन पूरे गांव में की गई। तब पता चला कि रंजन कुमार ने अपने माता पिता व अन्य लोगों के मिली भगत से उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया है। वही इस मामले में नवलपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि लड़की का अपहरण हो जाने के आवेदन लड़की की मां सविता देवी ने दिया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लेने की बात कह रही है। इसी बीच नाबालिग लड़की ने एक सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो बनाकर वायरल कर रही है। वायरल वीडियो में उसने खुद को अपनी मर्जी से रंजन कुमार के साथ भागकर शादी कर लेने की बात बता रही है। वायरल वीडियो में किशोरी ने बताया कि पथवरिया थाना क्षेत्र के चंद्रदाहा रूपवालिया गांव निवासी सुनील प्रसाद के पुत्र रंजन कुमार से 4 वर्षों से प्रेम करती आ रही हूं। उसने यह भी बताया कि इसकी जानकारी मेरे परिवार और लड़के के परिवार वालों को है। वही लड़की ने बताया कि मेरे परिवार के लोग मुझे हर बात पर रोकते टोकते थे और छोटी छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित करते थे। मैं मधुबाला कुमारी, पिता संतोष राम, उम्र 21 वर्ष, ग्राम पोस्ट थाना नवलपुर, जिला पश्चिमी चंपारण की निवासी हूँ। मैं 4 सालों से प्यार करती हूँ, जिनका नाम रंजन कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता सुनील प्रसाद कुशवाहा है, ग्राम पोस्ट चंद्रहार रूपलिया, थाना बथवरिया। मैं अपनी मर्जी से भागकर शादी की हूँ। मेरी मम्मी पापा ने जो केस किए हैं वह झूठ है, जबकि मैं अपने घर नहीं मामा जी के घर के पर थी 9 महीने तक। रिलेशन वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते थे और तरह तरह का तन्ना भी मारते थे। मेरी फैमिली वाले भी मुझे नहीं घर बुला रहे हैं। बहुत मुझे इंसल्टिव फील हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सोचा और 31/8/2022 को मामा जी के घर से निकल कर रंजन के पास चली गई। मुझे रंजन ने नहीं लेकर भागा और ना ही दूसरों ने मुझे भगाया। मैं खुद रंजन को लेकर भागी हूँ और 2 तारीख का और ना ही दूसरों ने मुझे भगाया। मैं खुद रंजन को लेकर भागी हूँ और 2 तारीख को बेतिया मंदिर में शादी कर ली हूँ। आप लोग अपना पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। थाना महोदय से यही निवेदन है कि ससुराल वाले या अन्य लोगों पर जो केस हुआ है वह सब बेबुनियाद है, जबकि मैं बालिक हूँ और हम लोगों का जान भी खतरा पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मैं डॉक्यूमेंट वीडियो के साथ आपके पास डाल रही हूँ। वही लड़की ने बताया कि मेरे परिवार के लोग मुझे हर बात पर रोकते टोकते थे, वही छोटी छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित करते थे और सुनील कुमार से दूरी बनाए रखने को कह रहे थे। अपने परिवार वालों के व्यवहार से तंग आकर मैं सुनील कुमार के साथ घर से भाग गई और शादी कर ली। लड़की ने वीडियो जारी कर बताया कि मेरे परिवार के लोग सुनील कुमार व उनके परिवार के लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IVTV। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।